सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वीडियो पाल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए वीडियो के नए नए अपडेट के लिए। हेलो दोस्तों, आज के समय में कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। ऑफिस हो या घर, यूजर्स ईमेल से किसी निजी काम के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग कंप्यूटर सीखने के लिए अलग अलग तरीके के कोर्स भी करते हैं। इसी के तहत आज हम आपको कंप्यूटर में फंक्शन की के बारे में कुछ खास जानकारी देने वाले हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। जब भी आप किसी प्रोग्राम में काम करते रहते हैं तो उसमें आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए, तो यह F1 की है। जो F1 की प्रेस करते ही आपको हेल्प विंडो ओपन हो जाती है, तो इससे आप उसकी प्रोग्राम की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं तो उसे सिलेक्ट करके F2 दबाएं। ऐसा करने से आप फाइल या फोल्डर का नाम बदल पाएंगे। किसी भी ऐप्स में सर्च करने के लिए आप F3 का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप किसी विंडो को बंद करना चाहते हैं तो Alt F4 की दबाएं और उससे आपकी विंडो डायरेक्ट शट डाउन हो जाएगी। किसी विंडो या प्रोग्राम को रिफ्रेश करने के लिए F5 की जो है सबसे ज़्यादा यूज में आती है। अगर आप इंटरनेट ब्राउजर की एड्रेस बार पर कर्सर ले जाना चाहते हैं तो आपको F6 का प्रयोग करना होगा, जिससे आप बिना कर्सर के आप सीधे ही उसके एड्रेस बार में जा सकते हैं। अगर आप MS Word में काम कर रहे हैं और स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक फीचर्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह की आपके लिए काम आएगी। कंप्यूटर को ऑन करते समय आप बूट मेनू में जाना चाहते हैं तो F8 की दबाएं। MS Word डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश करने और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ईमेल सेंड एंड रिसीव ऑप्शन के लिए F9 की का प्रयोग किया जाता है। अगर आप किसी ऐप में मेन्यू बार को ओपन करना चाहते हैं तो F10 की काम आती है। ब्राउजर को फुल स्क्रीन या इससे बाहर आने के लिए F11 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप MS Word पर काम कर रहे हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए F12 का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अनिल पाल वीडियो पाल से, तो आप मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी।